हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स डेस्टिनेशन। ये 21 सितंबर 2018 का रिव्यू वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सामने रखा गया जो डिस्क्लेमर है उसको प्लीज़ देख लीजिए एक बार। क्लियरली मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पर कि जो भी मैं शेयर करता हूँ मेरे वीडियोज़ में एंड जो भी हम लोग शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में थ्रू एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग मार्केट आर और ड्यूरिंग आउटसाइड मार्केट आर्स, दोज आर ऑल बेसिस आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, ओन ऑब्जर्वेशन एंड ओन नॉलेज। हम लोग बहुत सारे बुक्स भी शेयर करते हैं दोस्तों टेलीग्राम के जो मेरे ग्रुप है ट्रेडर्स डेस्टिनेशन फोरम, वहाँ पर अगर आप आओगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ बुक्स, वेरी इंफॉर्मेटिव बुक्स आर शेयर ओवर देयर, चार्ट्स आर शेयर ओवर देयर, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग शेयर करते हैं। वीकेंड्स पे हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो लाइक एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अगर हम बनाने जाएंगे तो हम लोगों को पहले बोलेंगे कि ट्राई टू फिगर आउट द स्टॉक्स व्हिच इज़ वर्किंग गुड इन अ स्पेसिफिक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ अ थिंग। एंड लोग देर आर वेरी मेनी पीपल इन द ग्रुप, जो लोग एंथुजियास्टिक होते हैं वो लोग उस पर कूद पड़ते हैं एंड दे यूटिलाइज देयर टाइम, दे यूटिलाइज देयर वीकेंड एंड देयर हॉलीडेज इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो ये जो फोरम है ट्रेडर्स डेस्टिनेशन फोरम, जिसका नाम है, जो टेलीग्राम में अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे दिया हो गया हुआ डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। एंड वहाँ आप ज्वाइन करोगे तो ये सारे एक्टिविटीज़ का में आप पार्टिसिपेट कर सकोगे एंड रियल टाइम ऑब्जर्वेशन भी आपको मिलेगा, मार्केट आर्ट्स में अभी आपको थोड़ा बहुत हैंड होल्डिंग मिलेगा। मेरे चैनल में हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का टिप्स नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का लेवल्स शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। आर ऑब्जेक्टिव इज़ सोलली ऑन लर्निंग, इट्स फोकस्ड ओनली टुवर्ड्स द नॉलेज शेयरिंग। तो दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले सामने दिया गया हो जो डिस्क्लेमर है इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों में से किसी भी कोई भी लोग से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है एंड जो भी हम लोग शेयर करते हैं ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस में शेयर करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आज, देखिए अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके पास तीन चीज़ होना चाहिए जो बहुत बहुत एसेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो मनी मैनेजमेंट होता है, वो तो है ही, दैट इज़ अ हाइजीन, दैट इज़ अ बेसिक थिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, उसके बिना और कुछ होता ही नहीं है। उसके आगे देर आर थ्री थिंग्स, दैट इज़ एडिक्वेट नॉलेज, आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सारा पैसा खो दोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। सेकेंड इज़ आप जो भी चार्ट देख के करोगे, जो भी चार्ट आपके सामने है वो चार्ट एक सही चार्ट होना चाहिए, एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ एक पावरफुल स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ नहीं है तो ये होगा आपका हालत दोस्तों। मार्केट क्रैश वाइप्स आउट ₹5.6 लाख करोड़ फ्रॉम द इन्वेस्टर्स वेल्थ इन 4 डेज। 21 सितंबर का न्यूज़ है, देखिए यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 सितंबर को शाम को 6 बजे ये न्यूज़ आया था। आप लोगों ने अगर ये देखा है लास्ट वीक, आपने अगर मार्केट को फॉलो किया है, लास्ट वीक एक ऐसा वीक था मंडे से फ्राइडे, बीच में एक दिन छुट्टी था, 4 ट्रेडिंग डेज में लोगों ने 5.6 लाख करोड़ का लॉस किया। वेयर एज जो लोग भी ट्रेडर्स डेस्टिनेशन को फॉलो करते हैं, देखिए उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। ट्रेडर्स डेस्टिनेशन चैनल में पब्लिश किए गए हैं जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं सेप्टेम्बर के महीने, जहाँ पर लोगों ने बैंक्रप्ट हो गया, बहुत सारे ट्रेडर्स एकदम जिनका कमर तोड़ गया एंड बेसिकली देर आर मेनी पीपल हु एक्चुअली उन जो लोग एकदम उनका अकाउंट ज़ीरो हो गया, वैसे सिचुएशन में ट्रेडर्स डेस्टिनेशन के सारे स्ट्रैटेजीज इतना पावरफुल रहा, इतना अच्छे से परफॉर्म किया, जिन्होंने 131% का रिटर्न दिया है इन जस्ट 13 ट्रेडिंग सेशंस फ्रॉम 13 सितंबर टू 21 सितंबर 2018। दोस्तों यहाँ पर जो भी ऊपर दिया गया हुआ जो चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर निफ्टी के जो स्ट्रैटेजीज है, आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि ट्रेडर्स डेस्टिनेशन आज के दिन पे फायर्स का ऑफिशियल पार्टनर है
हम लोग फायर्स को फॉलो करते हैं, फायर्स को चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बेसिस में ही ट्रेड लेते हैं। एंड जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फायर्स में टू ट्रेड, उन लोगों के लिए एक फ्री ट्रेडिंग अकाउंट भी आप खोल सकते हो। उसके लिए आप नीचे इस वीडियो के नीचे दिया गया हुआ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए एंड वहाँ क्लिक करके प्लीज़ अपना डिटेल्स फिल कर दीजिए। फायर्स के ऑफिशियल्स आप लोगों को कॉल कर लेंगे एंड दे विल हेल्प यू इन ओपनिंग एन अकाउंट। देखते रहिए इस वीडियो को, ग्रेजुअली मैं बताऊंगा कि क्यों फायर्स, वाई फायर्स एंड जो भी मैंने तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताया, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड एक अच्छा ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसे ये तीनों चीज़ आपको ट्रेडर्स डेस्टिनेशन दे सकता है, उसी का ये वीडियो है मैं आपको अब सबसे पेश कर रहा हूँ। दोस्तों जहाँ पर आपने ये देख लिया टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आ चुका है, जहाँ पर लोगों ने इतना सारा लॉस कर चुके हैं, ट्रेडर्स का इतना लॉस हो चुका है, ऐसे सिचुएशन पे ट्रेडर्स डेस्टिनेशन के सारे स्ट्रैटेजीज ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। निफ्टी ने 906 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 67,950 रुपीज़। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 194%। मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी मेरे स्ट्रैटेजीज़ है उसको मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, ट्रेल करोगे अपना स्टॉप लॉस को एंड प्रॉपर तरीका से कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे वो कुछ भी दिन हो, न्यूज़ का दिन हो, छुट्टी का दिन हो या जो भी दिन हो, अगर आपका मार्केट चालू है, आपको ट्रेड लेना है, अगर मार्केट में न्यूज़ कुछ भी आए, डजंट मैटर, यू हैव टू जस्ट वॉच द चार्ट एंड टेक द ट्रेड्स। अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवियरेंस के साथ एंड पैशन के साथ अगर आपने ट्रेड किया, तो आपको निफ्टी में कुछ 906 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। ये जो मेरे फायर्स के लोग हैं उन लोगों के लिए है, और अगर सिंपल ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो 757 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिला है, विच इज़ अराउंड 56,813 रुपीज़। एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु आर फॉलोइंग फायर्स स्पेशल स्ट्रैटेजीज, उन लोगों के लिए 906 पॉइंट्स विच इज़ 194% रिटर्न मिला है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो 2123 पॉइंट्स का प्रॉफिट इन 13 दिनों में, 13 ट्रेडिंग सेशंस में मिला है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 84,000 रुपीज़। अपोलो में 18 पॉइंट्स, विच इज़ अराउंड 54,000 रुपीज़, बिकॉज एक लॉट में 3,000 यूनिट ऑफ अपोलो टायर्स का स्टॉक्स होता है। SBI में 4.6 रुपीज़, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा SBI इस महीने, so that is basically 13,800 rupees, which is still profitable because it's not going on losses. Tata Steel mein kuch 70 points, which is around 74,217 rupees. Money management ke hisab se agar aap dekhte ho, Awesome Nifty strategy ke liye you have to keep around 35,000 rupees. Looking at the performance of Awesome Nifty strategy, dosto isme agar main bol raha hu ki Awesome Nifty strategy ke liye 35,000 rupees chahiye, iska matlab ye nahi ki koi bhi Nifty strategy mein aap 35,000 daloge. ये इसलिए है बिकॉज ये स्ट्रैटेजी ऐसा है जहाँ पर इसका एक्यूरेसी लेवल इतना हाई है, जिसके वजह से अगर आप 35,000 रुपीज़ से भी शुरू करोगे तो भी आप ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन SBI या टाटा स्टील में ट्रेड करने के लिए आपके पास मिनिमम 45,000 से 50,000 तक का मार्जिन होना चाहिए, एंड अपोलो एंड बैंक निफ्टी में करने के लिए आपके पास 50,000 से 60,000 तक का अमाउंट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करोगे, बी इट फायर्स, बी इट जेरोडा, बी इट अपस्टॉक्स, बी इट व्हाटएवर, आप कुछ भी प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, वहाँ पर आपको निफ्टी का एक लॉट शायद 13,000-14,000 रुपए में मिल जाएगा। बट फ्रॉम अ मनी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। चाहे वो स्ट्रैटेजी कितना भी पावरफुल, कितना भी उसका एक्यूरेसी लेवल हाई क्यों ना हो, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, यू कैनॉट टेक रिस्क लाइक दैट, यू शुड नॉट बी टेकिंग सो मच ऑफ अ लिवरेज। इवन मैं मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन सबको ये बोलता हूँ कि जो भी इक्विटी पे ट्रेड करते हैं, यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन अ 5x लेवरेज। 5 गुना से ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेडिंग करना गुना है। एंड ये जो बात है, ये आप अपने जहन में जब तक नहीं डालोगे तब तक आप एक सही ट्रेडर नहीं बनोगे। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन जाता है दोस्तों, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब धीरे धीरे चलोगे, स्लोली चलोगे, सोच समझ के चलोगे, सही दिशा में जाओगे, सही स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करोगे, तो ही जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। तो दोस्तों ये रहा परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए। फायर स्पेशल स्ट्रैटेजीज ने कुछ 79% एक्यूरेसी लेवल दिया है अभी तक का, जहाँ पर 66 ट्रेड्स में 52 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहा, बाकी में स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड बैंक इक्विटी स्ट्रैटेजी, ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी बोल के जो स्ट्रैटेजी हम लोगों के पास है, वहाँ पर 69
ट्रेड्स में कुछ 50 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहा, विच इज़ एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 72%। लगभग 5 से 10% का वेरियंस है बिटवीन फायर स्पेशल स्ट्रैटेजीज एंड यू नो लाइक यूट्यूब में पब्लिश किया गया स्ट्रैटेजीज में। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वेरियंस नहीं है। विच एवर स्ट्रैटेजी सूट्स यू, देर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव लॉन्च सो फार। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप लोगों को तो ये बात पता ही है कि हम लोग हर एक सेगमेंट पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ को पब्लिश किए हैं। कैश में डेली ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी, स्पेक्टेकुलर SBI स्ट्रैटेजी एंड टाटा की ताकत स्ट्रैटेजी, जो टाटा स्टील का स्ट्रैटेजी है, ये तीनों स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट्स पे अगर आप देखते हो तो इंडाइसेस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर डेफिनेटली ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी है, बैंक निफ्टी का BN11 स्ट्रैटेजी है, निफ्टी का एक और स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है दो कदम, जो मैंने कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 1.5 मंथ आप लोगों से कहा है कि राइट नाउ इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, उसको प्लीज़ होल्ड कीजिए फॉर द टाइमिंग एंड हेंस यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग इट ऑल्सो। ये तीनों स्ट्रैटेजीज हैं, जब सही टाइम आएगा दो कदम स्ट्रैटेजी के लिए तब हम आपको बता देंगे कि यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट फॉलोइंग इट देन। इक्विटी फ्यूचर्स में टाटा स्टील एंड अपोलो टायर्स, इन दोनों का दो स्ट्रैटेजीज हैं एंड वही सारे स्ट्रैटेजीज का जो परफॉर्मेंस है यही आपके सामने है। बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, अपोलो, SBI एंड टाटा स्टील 5 स्ट्रैटेजीज हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ में काम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास फंड है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, दिस इज़ अ सैम्पल केस गिवन एंड अ सैम्पल एग्जांपल गिवन कैसे आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके आप ट्रेड ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास 225,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये जितना पैसा है एंड आप इस 5 स्ट्रैटेजीज में डालते हो, 50,000 आप डाल रहे हो फॉर वन लॉट। सो एट द एंड ऑफ दिस 13 ट्रेडिंग डेज ऑफ सेप्टेम्बर यू वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 131% रिटर्न। 2.5 लाख के ऊपर 2,94,000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाता एज अ बेनिफिट, ओके। तो ये होता है स्ट्रैटेजीज का पावर दोस्तों। स्ट्रैटेजीज के साथ साथ आपको देखना होता है प्लेटफॉर्म, आपको एक अच्छा सही प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो सही नहीं है तो मुश्किल है दोस्तों, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए, ये आपके सामने जो दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है। इसमें मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाऊंगा एंड मैं बताऊंगा कि क्यों ये इतना एसेंशियल होता है। तो ये देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 21 तारीख का दिन देख लीजिए, ये है 21 तारीख का दिन, ठीक है। 21 तारीख का ये जो आपके सामने मैंने अभी जहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये है दिन का पहला कैंडल। आप क्लियरली अगर आप देखोगे तो देखिए, ये 21 सितंबर 2018 का पहला कैंडल है जिसका ओपनिंग प्राइस देखिए एंड लो प्राइस देखिए 11,305 रुपीज़, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे, देखते हैं NSE के साइट पे कल के दिन में, ओके। NSE निफ्टी सितंबर फ्यूचर इसका प्राइस क्या था, ठीक है। ये सीधा आपको लेके चलेगा NSE के साइट पे, देखिए ये NSE का साइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ का डेटा सबसे सही रहता है। उसके अलावा इंडिया में कहीं पर मैं तो नहीं समझता हूँ कि अगर जो वैल्यू जिसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे आता है उससे ज़्यादा बेटर या एक्यूरेट कहीं पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ओपनिंग प्राइस एंड लो प्राइस ऑफ दैट, आई मीन ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। लो प्राइस तो आप देख नहीं पाओगे बिकॉज ये पूरा दिन का था, बट ओपनिंग प्राइस देखिए आप यहाँ पर 11,304.95 रुपीज़। तो 11,305 लेके मैं चलता हूँ, 5 पैसे का वेरियंस चलता है इन अ स्टॉक ऑफ 11,000 रुपीज़। इसके अलावा मैं आपको दो और प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर प्राइस क्या दिखाया था। देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद समझदार हो समझ लीजिए कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एंड क्यों कर रहा हूँ। ये है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर कल का दिन का पहला कैंडल का लो प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस देखिए ऊपर का सेक्शन में, यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है 11,331 रुपीज़ एज द ओपनिंग प्राइस एंड द लो प्राइस। एक और प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ आपको, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, सॉरी। एक और प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ आपको एंड अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, देखिए अगेन मैं आपको कल के दिन का जो कैंडल है, ये है वो कैंडल जहाँ पर मैंने मेरा कर्सर को रखा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए प्राइस क्या बता रहा है, यहाँ पर ये कैंडल है,
11,331 रुपीज एज द ओपनिंग प्राइस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या दिख रहा है दोस्तों, 11,305 रुपीज। एंड फायर्स में क्या दिख रहा है दोस्तों, जिसका हम लोग ऑफिशियल चैनल पार्टनर है, 11,305 रुपीज। दोस्तों आपके सामने सब कुछ है, आंख खोलिए प्लीज एंड देखिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी और के अगेंस्ट नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मेरे को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर डेटा जो है वो सही होना चाहिए। दैट इज़ अ बेयर मिनिमम नेसेसिटी दैट आई शुड बी ट्रेडिंग विद। अगर मैं गलत ट्रेड लूँगा, अगर मैं गलत चार्ट देखूँगा जिसमें वैल्यूज़ जो है वो गलत आएगा, तो दोस्तों आई विल एंड अप टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स। मेरा स्ट्रैटेजी सही है, उसके बावजूद भी शायद हो सके कि मैं गलत ट्रेड ले लिया एंड उसके वजह से मैंने लॉस कर लिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो, ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी के मुताबिक कल के दिन में जिन लोगों ने ट्रेड लिया, अगर मैं आपको मेरा डिटेल शीट दिखाऊंगा तो आप देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये था कल का दिन का ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस, जहाँ पर पहला ट्रेड में 48 पॉइंट्स का लॉस एंड सेकेंड ट्रेड में 247 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना, तो लगभग 200 पॉइंट्स 1999 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट बना अगर किसी ने सही तरीका से ट्रेल किया होगा तो। लेकिन दोस्तों पहला जो कैंडल बना था उसका स्टॉप लॉस का जो वैल्यू था, इट वाज ऑफ 75 पॉइंट्स वर्सेस अ टारगेट ऑफ अराउंड 50 पॉइंट्स। 75 पॉइंट्स का एसएल निफ्टी में बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेडर्स जो है 75-80 पॉइंट्स जितना स्टॉप लॉस लेके शायद ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया एंड दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, उन लोगों ने शायद उतना हाई स्टॉप लॉस का वैल्यू नहीं देखा एंड उनके वजह से उन लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, एंड फॉर दैट रीज़न दे वुड हैव टेकन द ट्रेड इन द फर्स्ट प्लेस। अगर इतना ज़्यादा हाई वैल्यू रहता फर्स्ट स्टॉप लॉस का, तो शायद आप ट्रेड ही नहीं लेते। तो दोस्तों यही ऑब्जर्वेशन है एंड यही डिफरेंस होता है एक सही प्लेटफॉर्म यूज़ करने का वर्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करने का जहाँ पर आपको चार्ट का वैल्यू जो है वो शायद सही ना दिखे। तो दोस्तों न्यूज़ को भी फिर से देख लीजिए, अगर आप गलत चार्ट देखोगे, गलत तरीका से ट्रेड करोगे, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे, सही स्ट्रैटेजी के साथ नहीं करोगे, तो शायद यू विल एंड अप लाइक दिस। जब मार्केट गिरेगा या मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ भी होगा, स्ट्रैटेजी आपका साथ अगर नहीं दिया तो आप लॉस कर लोगे। लेकिन अगर आप सही तरीका से, अच्छी तरीका से, प्रॉपर वे में ट्रेड करोगे, तो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट क्लियरली है, आप क्या अचीव कर सकते थे आपके सामने है। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सोचिए, समझिए एंड उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। आई एम श्योर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे अपडेट्स भी हुए हैं। मेरे सारे दोस्त लोग मेरे को बहुत बार बोलते रहते हैं कि ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी जो है जो लास्ट 5 महीने से चल रहा है एंड जो इतना अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, जो इस महीने भी 194% का रिटर्न दिया है, उसके ऊपर एक रिफ्रेशर बनाया जाए। बहुत ही जल्द मैं एक रिफ्रेशर बनाने वाला हूँ एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक इट इन बोथ द लैंग्वेजेज, इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो दैट जो मेरे साउथ के दोस्त है प्लस रेस्ट ऑफ द इंडिया का जो दोस्त है, सब लोगों का बेनिफिट हो। एंड और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हम लोग लाने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर भी खरीद रहे हैं जिसके हेल्प से हम लोग जो बैक टेस्टिंग बोलिए या फिर स्टॉक्स का स्कैनिंग बोलिए और क्विक तरीका से और फास्ट हम लोग कर सकेंगे एंड हेंस पीपल आर ऑल्सो एंथुजियास्टिक इन दैट इंटरवेंशन। तो यही है दोस्तों, आगे आपकी मर्ज़ी। अगर इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि मेरे चैनल के कंटेंट्स में दम है एंड आगे चल के आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, फैमिली में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ये नीचे दिया गया जो नंबर है 8104641995, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जिसके पास रहते हैं उनका नाम है मैथिली, उनको आप मैसेज कीजिएगा, कुछ भी एसेंशियल या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट रहेगा तो मैथिली आपको
मेरे तरफ फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली कर देगा, अदरवाइज शी इज़ गोइंग टू एड्रेस योर वॉट एवर इज योर फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेरीज. दैट्स ऑल फ्रेंड्स, विश यू अ हैप्पी वीकेंड एंड अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग. गुड नाइट.